नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 17 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है विश्वकर्मा पूजा, इस दिन का है खास महत्व। पंचायत चुनाव के दौरान पुलिसकर्मियों को नहीं मिलेगी एक भी दिन की छुट्टी। बिहार में एक और मेडिकल कॉलेज को मिली मंजूरी। आज मध्य दक्षिण बिहार में भारी बारिश की है संभावना। चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में निकाली गई रिक्तियां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में नौकरी की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। एनसीआरटीसी ने ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस स्टाफ की कुल मिलाकर 226 पद पर आवेदन की मांग की है। हालांकि ध्यान रहे, यह आवेदन संविदा के आधार पर भर्ती के लिए आमंत्रित की गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभाग की तरफ से सभी पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। कुछ पदों के लिए उम्मीदवार के पास ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। योग्यता संबंधी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार को आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 सितंबर तक आधिकारिक वेबसाइट www.ncrtc.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक बीते दिन उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित करवाई गई थी। आयोजित बैठक में सीडी रेशियो, किसान क्रेडिट कार्ड के साथ बैंकों की शाखाओं को लेकर चर्चा हुई। साथ ही डिजिटल लेन देन पर भी सरकार ने चर्चा की, जिसके बाद बैठक में मौजूदा सभी अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान समय में इन सभी मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार हो रही है। सरकार बिहार में निवेश को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश है कि बैंकों का रुख सकारात्मक हो। ज्ञात हो, इस बैठक में उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के अलावा उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भी जुड़े थे। आज है विश्वकर्मा पूजा, इस दिन का है खास महत्व। देवताओं के शिल्पी, निर्माण और सृजन के देवता कहे जाने वाले भगवान विश्वकर्मा की पूजा 17 सितंबर को मनाई जाएगी। आज पूजा के दिन विशेष तौर पर औजारों, निर्माण कार्य से जुड़े मशीनों, दुकानों, कारखानों आदि की पूजा की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा की कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। व्यापार में तरक्की और उन्नति होती है। जो भी कार्य प्रारंभ किए जाते हैं वो पूरे होते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, भगवान विश्वकर्मा को संसार का पहला इंजीनियर भी कहा जाता है। मध्य दक्षिण बिहार में भारी बारिश की है संभावना। बंगाल में उठे चक्रवात का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद अगले 3 दिनों तक बिहार में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। IMD की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में कम दबाव का केंद्र बना रहेगा, जिससे बिहार में तेज पुरवैया हवा चलती रहेगी। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे चलने से गर्मी से राहत मिलेगी। तेज पुरवैया चलने से प्रदेश के दिन और रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। वहीं दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में गुरुवार को भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। बिहार पंचायत चुनाव के दौरान थाना स्तर पर कैंप लगाकर भरवाया जाएगा बंध पत्र। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं। सबके बीच पंचायत आम निर्वाचन 2021 को स्वच्छ और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न करवाने के लिए असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही चुनाव के मद्देनजर सभी थाना के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 107 के तहत कार्रवाई की जा रही है। थाना स्तर से निरोधात्मक कार्रवाई के क्रियान्वयन के लिए धारा 107 और 116(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वैसे चिन्हित व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल बंध पत्र निष्पादित कराया जाना जरूरी है। प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी को आदेश दिया गया है कि निर्धारित तारीख को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अधिक से अधिक बंध पत्र निष्पादित कराएंगे। IGIMS में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए 10 लाख का अनुदान देगी सरकार। अब बिहारवासियों को लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए पैसे और जगह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब IGIMS में मरीजों का 4 से 5 लाख में ही लिवर ट्रांसप्लांट करवाना संभव होगा, क्योंकि अब केंद्र और बिहार सरकार दोनों मिलकर 10 लाख रुपए अनुदान के रूप में देने वाली है। राज्य सरकार की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की स्वीकृति मिल गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अब दिल्ली स्थित मैक्स अस्पताल के ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सुभाष गुप्ता IGIMS में शुरुआत के 10 लिवर ट्रांसप्लांट का काम करेंगे। इसको लेकर अब तक 110 मरीजों से संपर्क भी किया गया है, जिसमें से 15 मरीजों को चिन्हित करने का काम कर लिया गया है। के दौरान पुलिसकर्मियों को नहीं मिलेगी एक भी दिन की छुट्टी। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। इसके साथ ही फिलहाल तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इन सबके बीच पंचायत चुनाव के आयोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस मुख्यालय की तरफ से पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिसकर्मियों के अवकाश पर रोक लगाने का मौखिक निर्देश जारी कर दिया गया है। हालांकि इसको लेकर अभी पुलिस मुख्यालय ने छुट्टी पर रोक लगाने को लेकर लिखित रूप से फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अपने अपने जिले में पुलिसकर्मियों के अवकाश पर रोक लगाने का निर्देश मौखिक रूप से दे दिया गया है।
थ्रे स्पेशल में हम बात करेंगे आफताब सेठ की। आफताब सेठ का जन्म आज ही के दिन साल 1943 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। आफताब सेठ एक सेवानिवृत्त भारतीय राजनयिक हैं, जिन्होंने ग्रीस, वियतनाम और जापान में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। सेठ ने अपनी स्कूली शिक्षा दून स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने बीए की पढ़ाई की ऑनर्स दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन्स कॉलेज से इतिहास में, जहां उन्होंने प्रथम श्रेणी सम्मान के साथ विश्वविद्यालय में टॉप किया। इसके बाद उन्हें ऑक्सफोर्ड के क्राइस्ट चर्च में इतिहास और राजनीति संवैधानिक इतिहास पढ़ने के लिए रोड्स छात्रवृत्ति भी मिली। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी कॉलेज ऑफ ग्रीस से कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर हुई भव्य तैयारी। आज पीएम मोदी अपना जन्मदिन मनाएंगे, वहीं जिसके तहत आज पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर पटना समेत पूरे देश में खूब सारी तैयारियां बीते दिन ही पूरी कर ली गई थी, जिसके तहत भाजपा ऑफिस में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। पार्टी धूमधाम से और उत्साह से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा द्वारा पूरे देश में विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में बिहार भाजपा ने भी अपनी तरफ से तैयारियों को पूरा कर लिया है और चीजों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसके साथ ही पूरे भाजपा दफ्तर में बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर को लगाने का काम किया गया है, जिसमें पीएम मोदी की तरफ से किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया। वहीं आज पूरे बिहार में वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलाई जाएगी। भूमि विवाद के निपटारे के लिए बिहार सरकार ने लिया अहम निर्णय। भूमि विवाद के निपटारे को लेकर बिहार सरकार अब तक कई पहल कर चुकी है। वहीं अब सरकार ने विवाद को सुलझाने के लिए एक और अहम निर्णय लिया है, जिसके तहत ही अब अंचलाधिकारी और डीसीएलआर कार्यालय की जिम्मेदारी जवाबदेही को और भी बढ़ाया जा रहा है। विवादों का निपटारा करने के लिए सरकार ने अहम फैसला लेते हुए डीसीएलआर कोर्ट को फिर से टाइटल पर फैसला देने का आदेश जारी किया है। हालांकि इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने डीसीएलआर कोर्ट के टाइटल पर फैसला देने के राज्य सरकार के आदेश को स्थगित कर दिया था। इसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी किया था, जिस पर निर्णय सितंबर 2019 में आया था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने इस संबंध में जानकारी साझा की है, जिसके तहत उन्होंने सरकार के इस फैसले को लेकर सभी जिलों के नाम पत्र भी जारी कर दिया है। भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की उठी मांग। बिहार के भोजपुरी भाषी लोगों को काफी पीड़ा और नाराजगी का सामना तब करना पड़ा था जब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भोजपुरी भाषियों की निंदा की थी, लेकिन इस नाराजगी के साथ ही भोजपुरी और मगही भाषा को आगे बढ़ाने और लोकप्रिय बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में जदयू के राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर भोजपुरी और मगही भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर लंबे समय से आंदोलन में लगे लोगों की एक बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया है कि बहुत जल्द ही भोजपुरी भाषा में बोले जाने वाले मुहावरे और कहावतों का संग्रह तैयार कर लिया जाएगा। बिहार में पहली बार टोल टैक्स वसूलेगा बैंक। बिहार में पहली बार आधारभूत संरचना से जुड़े प्रोजेक्ट में दी गई ऋण राशि को बैंक टोल की राशि से वसूले जाएंगे, जिसकी शुरुआत बख्तियारपुर से समस्तीपुर के ताजपुर के बीच गंगा नदी पर बनने वाले मेगा ब्रिज से होने वाली है। पुल सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में बनने वाला यह पुल है। साल 2011 के नवंबर से यह बन रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए बैंक ने 474 करोड़ रुपए ऋण निर्माण एजेंसी को दिए थे, जो अब बढ़कर 500 करोड़ रुपए से ऊपर हो गए हैं। हालांकि निर्माण एजेंसी ने यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि उनके पास निर्माण के लिए पैसे नहीं है, से ली गई राशि उसने प्रोजेक्ट में लगा दी। ऐसे में बैंक की राशि फंस गई है। निर्माण अभी 50% से आगे नहीं बढ़ पाया है, जिसके बाद ही अब टोल टैक्स वसूलने की तैयारी बैंक कर रहा है। बीपीएससी ने स्थगित की मोटरयान निरीक्षण भर्ती की परीक्षा। बीपीएससी मोटरयान लिखित परीक्षा को टाल दिया गया है। यह परीक्षा 17 सितंबर यानी कि आज दो पालियों में आयोजित होने वाली थी। 18 सितंबर को एक पाली में लिया जाना था, जिसके बाद अब बीपीएससी ने इस परीक्षा को स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आज 17 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक सामान्य अध्ययन, प्रथम प्रश्न पत्र और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक मोटर वाहन नियमावली और अधिनियम तृतीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होनी थी। 18 सितंबर 2021 को केवल पहली पाली में ऑटोमोबाइल यांत्रिक अभियंत्रण के द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होनी थी, लेकिन अब यह नहीं होगी। बिहार में चमकी बुखार से ठीक हुए बच्चों पर वायरल फीवर का खतरा। बिहार में चमकी बुखार से ठीक होने वाले बच्चों में वायरल फीवर का खतरा मंडराने लगा है। इसको लेकर एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड से इलाज के बाद स्वस्थ हुए 74 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने का निर्देश जारी किया गया है। बच्चे जिस प्रखंड के हैं, वहां के सीएचसी और पीएचसी प्रभारियों को स्वास्थ्य जांच करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी के अनुसार पीकू वार्ड में भर्ती एईएस से स्वस्थ हुए बच्चे वायरल बुखार की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में अन्य भी स्वस्थ बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं। इन बच्चों की स्वास्थ्य जांच करना अति आवश्यक है।
अभ्यर्थी बने बच्चों के अकाउंट का जारी हुआ जांच का आदेश। बीते दिन कटिहार जिले के 2 बच्चों के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे। इन बच्चों के करोड़पति बनने का मामला सामने आया है, जिसके तहत 2 बच्चों के अकाउंट में पोशाक राशि के तहत 1 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया गया था, जिसके बाद यह मामला तुल पकड़ने लगा। मामले की गहनता को देखते हुए अब जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उनका कहना है कि इसमें छात्रों की तरफ से कोई गलती नहीं है, बल्कि बैंक और सिस्टम की मानवीय भूल है। जिलाधिकारी की माने तो जानकारी मिलते ही उनकी तरफ से उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक शाखा ने इस पर संपर्क किया है। बैंक द्वारा भी उनके CBS सिस्टम में कुछ तकनीकी दिक्कत होने के कारण ऐसी बात होने की बात सामने आई है। फिलहाल दोनों बैंक खाते को सुधार कर लिया गया है। प्रायोजित शैक्षणिक योजनाओं में लगातार तीसरे साल हुई कटौती। शिक्षा विभाग की केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कटौती का सिलसिला अभी भी जारी है। इस साल केंद्र सरकार ने बिहार की शिक्षा योजनाओं के संचालन के लिए 7,700 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जबकि शिक्षा विभाग की तरफ से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 13,142 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत के करीब 5 महीने बाद सरकार ने राशि को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब शिक्षा के बजट के मद की राशि खर्च करने का दबाव अब विभाग के ऊपर बनने लगा है। शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना संकट के तहत प्रस्तावित राशि में कटौती की गई है। हालांकि खेलकूद और शारीरिक शिक्षा मद में कोई कटौती नहीं की गई है। बिहार में एक और मेडिकल कॉलेज को मिली मंजूरी। बिहारवासियों को जल्द ही एक और मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने वाली है, जिसके तहत राजधानी पटना के बिहटा ESIC हॉस्पिटल में नया मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है। राज्य सरकार की तरफ से इसको लेकर बहुत पहले ही मांग की जा चुकी थी, जिस पर विचार के बाद अब केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। अब 2022 सत्र में MBBS की 100 सीटों के लिए एडमिशन शुरू होने वाला है। इसको लेकर मंजूरी मिलने के साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रधानमंत्री मोदी को मंत्री मंगल पांडे ने धन्यवाद भी दिया है और केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। बिहार के अस्पतालों में 70 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनकर हुआ तैयार, आज होगा लोकार्पण। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर आज एक दिवसीय विशेष कोरोना टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत करने का आह्वान पहले ही कर दिया था। हालांकि अब इस मौके को और ज्यादा खास बनाने के लिए मुख्यमंत्री राज्य के विभिन्न सदर एवं अनुमंडल अस्पतालों में बने 70 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण भी करने वाले हैं। इस बाबत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि राज्य में कोरोना की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग न सिर्फ टीकाकरण में तेजी ला रहा है, बल्कि हर संभव जरूरी कदम भी उठा रहा है। टीकाकरण पर मुख्यमंत्री का जहां विशेष जोर है, वहीं लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी वो खुद कर रहे हैं। मिशन यूपी के लिए बिहार के नेताओं को दी जाएगी सीमावर्ती जिलों की बागडोर। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आयोजन होने वाला है। हालांकि चुनाव को लेकर यूपी में तो जोर शोर से तैयारियां हो ही रही है, बिहार में भी यूपी चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके तहत बिहार भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को यूपी चुनाव के मद्देनजर तैयार किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इसके कारण बिहार से सटे इलाकों में इनको भी चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि इससे पहले भी बिहार के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाजपा प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतारती रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का विषय है, जिसमें बिहार के भी कई पदाधिकारी और नेताओं के चुनाव में सम्मिलित होने की संभावना जताई गई है। जीतन राम मांझी ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अब मगध में रेल परियोजना शुरू करने की मांग की है। इसको लेकर अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने बीते दिन मुलाकात की। बीते दिन हुई इस मुलाकात में उन्होंने रेल परियोजना को शुरू करने की बात कही है, जिसको लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मगध क्षेत्र में 2 रेल परियोजना को शुरू करने को लेकर जेपी नड्डा से बात हुई। नड्डा जी ने अब इस संबंध में आगे बात बढ़ाने का भरोसा दिया है। इतना ही नहीं, इससे पहले जीतन राम मांझी ने इस रेल परियोजना को शुरू करने के लिए पीएम मोदी को भी पत्र जारी किया था, जिसके बाद ही पीएम मोदी ने इस मामले को लेकर जेपी नड्डा से मुलाकात करने की बात कही थी। नजर आएगा राजद कार्यालय। राजद कार्यालय का रंग रूप अब बदलने वाला है, जिसके तहत तेजस्वी यादव के निर्देश के बाद अब राजद कार्यालय को नया लुक देने की तैयारी हो रही है। यह अलग बात है कि राजद की जमीन की मांग को राज्य सरकार ने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन इन सब के बावजूद राजद कार्यालय को नए रंग रूप में ढालने की तैयारी हो रही है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद तेजस्वी यादव करने वाले हैं। इस बाबत राजद कार्यालय में न सिर्फ नई सीलिंग लाइट लगाई जा रही है, साथ ही इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि कार्यालय में अधिक से अधिक लोगों को बैठने की व्यवस्था की जा सके। जानकारों की माने तो राजद कार्यालय में यह बदलाव पार्टी के मुखिया लालू प्रसाद यादव के आगमन को लेकर किया जा रहा है। बिहार में जिसको नहीं दिखता विकास, वो करवा ले अपने आंख का इलाज। बिहार में विकास को लेकर खूब राजनीति देखने को मिली है, जिसके तहत बिहार सरकार जहां विकास के दावे करती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष विकास के नाम पर खूब आरोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच अब नीतीश सरकार के मंत्री ने विकास को लेकर विपक्ष का घेराव किया, जिसके तहत भाजपा कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार में मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि जहां कानून का राज है और जिनको यहां डेवलपमेंट नहीं दिखता, वो अपने आंखों का इलाज जाकर जरूर करवाएं। भारत के
इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1867 में भारतीय कलाकार गगनेंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। 1879 में तमिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता ईवी रामास्वामी नायकर का जन्म हुआ। 1948 में हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ था। 1949 में दक्षिण भारतीय राजनीतिक दल द्रविड़ मुनेत्र कषकम यानी कि द्रमुक की स्थापना आज के दिन हुई थी। 1950 में भारतीय राजनेता और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म आज के दिन हुआ था। 1956 में भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का गठन आज के दिन हुआ। 1999 में ओसामा बिन लादेन का भारत के विरुद्ध जिहाद का ऐलान आज के दिन किया गया था। T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 की कप्तानी छोड़ने का कोहली ने किया ऐलान। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने आने वाली T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है। इसको लेकर कोहली ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी किया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कोहली को T20 और वनडे की कप्तानी से हटाने की चर्चा चल रही थी। विराट कोहली ने ट्विटर पर जारी अपने बयान में लिखा कि मुझे न सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम को अपनी क्षमता से लीड करने का भी अवसर मिला। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने टीम इंडिया के कप्तान के तौर पर मेरे सफर में मेरा समर्थन किया है। ये सब कुछ मेरे लड़कों, सपोर्ट स्टाफ, सिलेक्शन कमेटी, मेरे कोच और हर उस भारतीय के बिना मुमकिन नहीं था जिसने हर मैच में हमारी जीत के लिए प्रार्थना की। नॉन बीटा यूजर के लिए व्हाट्सएप ने जारी किया मल्टी डिवाइस फीचर। व्हाट्सएप यूजर के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने आखिरकार नॉन बीटा यूजर के लिए भी मल्टी डिवाइस सपोर्ट फीचर को रोल आउट कर दिया है। इस फीचर को कंपनी अब तक केवल बीटा यूजर को ही ऑफर कर रही थी। इस फीचर की मदद से यूजर एक समय पर एक से ज्यादा नॉन फोन डिवाइस जैसे लैपटॉप और कंप्यूटर पर अपने व्हाट्सएप अकाउंट को एक्सेस कर सकेंगे। डब्ल्यू बीटा इन्फो के अनुसार व्हाट्सएप के इस लेटेस्ट अपडेट का वर्जन नंबर 2.21.19.9 है। इसे एंड्रॉइड और iOS के स्टेबल वर्जन यूजर के लिए रोल आउट किया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सोनू राज, रविंद्र पासवान, गुरुकुल एम्बिशन, मनीष कुमार, पीयूष वर्मा, सर्वजीत पासवान, साहिल राज, शशि भूषण, अमरेश मिश्रा, राजीव कुमार, अनिल कुमार, शोभा कांत, मनीष कुमार, नीलम झा, दिलशाद आलम, निरंजन कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ है या इसमें और ज्यादा सुधार की जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।